शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए दवाइयाँ खा लीजिए, फिर आपको खाना भी खाना है। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। मैडम बाद में नहीं, दवाइयों का टाइम हो गया है। जब राहुल आ जाएगा तो मैं उसके साथ खा लूँगी। वैसे राहुल है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। राहुल सर आने ही वाले होंगे, कुछ जरूरी काम में फंस गए होंगे। अरे तो फिर बुला ना उसे, मुझे बाहर जाना है, दम घुटता है मेरा यहाँ। मैडम आप ठीक तो है ना? अनीता वो मैंने देखा उस घर में। क्या देखा मैडम? एक औरत चिल्ला रही है, कोई मार रहा है उसे। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद आपको धोखा हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है एक औरत को कोई पीट रहा है, शायद वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। मैडम आप बैठ जाइए, ललित पानी लाना मैडम के लिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये लो पानी। लीजिए पानी लीजिए मैडम। वो उसे मार रहा है, वो औरत वो पिट रही है। लगता है मैडम को फिर से दोबारा दौरा पड़ा है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मैंने देखा है, मैं पागल नहीं हूँ। देखो खुद देखो, देख लो, देखो देखो। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो हमें भी दिखाई देता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो देखा वो बस देखा। तुम दोनों अभी इसी वक्त वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैडम वो किसी की जान खतरे में है, जाओ ऐसे गो। चलो चलो जल्दी जाओ। हाँ, जाते हैं। हे भगवान, उस औरत को कुछ हो गया तो? बंटी बेटा कौन है? कहिए किससे मिलना है? जी हम लोग सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं, छठवें माले पर 602 नंबर फ्लैट में। जी आप केदार जी हैं? जी हाँ मैं ही केदार हूँ, बोलो क्या काम है? जी आपके घर में। क्या क्या मेरे घर में? जी सर वो हमारी मैडम है ना, सिमरन जी, उन्होंने आपके घर में किसी औरत को पिटते हुए देखा है सर। क्या? अरे तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या? बेवकूफ हो, इस घर में कोई औरत रहती ही नहीं, तो उसके पिटने का सवाल कहां से आ गया? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो अंदर आके खुद देख लो। आओ यहाँ पर मैं और मेरा बेटा रहता है बस, और देखो। हाँ
देख लिया, हो गई तसल्ली? मैंने तुम दोनों को नौकरी पे इसलिए रखा है ताकि तुम मेरी पत्नी की देखभाल कर सको, यहां वहां घूमने के लिए नहीं। और अगर तुम दोनों से मेरी पत्नी की देखभाल नहीं हो रही है ना, तो चले जाओ यहां से, मैं किसी और को रख लूंगा। राहुल, इन दोनों को मत डांटो, मैंने इन दोनों को भेजा था देखने के लिए। क्या फायदा उन्हें बेच के वहां? मैं सच कह रही हूँ, मैंने साफ साफ देखा था, एक आदमी एक औरत को पीट रहा था। सुमन, चीटी कहानियां बनाना बंद कर दो, क्या कहेंगे अड़ोस पड़ोस वाले मुझे? और तुम दोनों गए थे ना वहां? जी सर। तो फिर क्या देखा, कोई औरत थी वहां? सर मैंने तो पहले ही कहा था कोई नहीं है वहां पर, सिवाय एक आदमी और एक बच्चे के। सुनो, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मैंने वही बताया जो मैंने देखा। देखो सिमरन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आखिरी बार कह रहा हूं, ऐसा कोई काम मत करना जिससे लोगों को लगे कि तुम वाकई में पागल हो। देखो, तुम्हें मीडिया से बचना होगा, वरना वरना दुनिया को लगेगा कि तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया है। और मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। कैसे हो सकता है, कोई तो उस औरत को पीट रहा था। ये तो उसे मार डालेगा। अरे कोई बचाओ! मैंने कहा ना सर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, विश्वास मत कीजिए, ये उठपटांग बातें करती ही रहती है। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपसे बात करेंगे हम लोग बाद में। हाँ तो सिमरन, तुमने देखा खून होते हुए सामने वाली बिल्डिंग में? आप लोगों को भी शक है ना मेरी बात पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें आपकी बात पे पूरा यकीन है। पर ये दोनों लोग तो गए थे ना उस घर में, इनका कहना है वहां पे कोई औरत है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि आप लोग अपना वक्त यहां बर्बाद कर रहे हैं। देखो राहुल, ये एक खून का मामला है, हो सकता है सिमरन ने जो देखा है वैसे ही हुआ। सर बिलीव मी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैंने इसे यहां छुपा कर रखा है ताकि इसके परिवार वालों को पता नहीं चले कि इसे कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो उसे हड़प लेंगे, उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। देखो राहुल, ये भाषणबाजी सुनने की हमें आदत नहीं है, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? एक बार हमें पता चलता है ना कि कुछ हुआ है तो हम पूरी की पूरी तहकीकात करके ही छोड़ते हैं। सिमरन की बालकनी में से सामने वाले घर की खिड़की एकदम साफ साफ दिखती है सर, और अगर वहां पे खून हुआ है तो बालकनी से आराम से दिख सकता है। सिमरन का कहना है कि उसने किसी औरत का खून होते हुए देखा है इस घर में, पर सिमरन के नौकर और केयरटेकर का कहना है कि इस घर में कोई औरत रहती नहीं है। और वॉचमैन भी यही कह रहा है कि यहाँ कोई औरत रहती नहीं। चक्कर क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? मैंने क्या किया है साहब? ठेकेदार, आपके घर में एक औरत का खून किया गया है, आपके सामने वाली बिल्डिंग में सिक्स फ्लोर पर सिमरन रहती है, उन्होंने देखा ये खून होते हुए। खून मेरे घर पे, वो भी एक औरत का? हाँ, एक औरत का। कहाँ छुपा के रखी है लाश? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, इस घर में कोई औरत नहीं रहती, यहाँ तो मैं और मेरा बेटा रहते हैं बस। कल उनके नौकर को भी यही बात बताई थी, चाहे तो खुद देख लीजिए। ये पेंटिंग ऐसे कैसे किया गया? कहीं कहीं पे पेंट मारा है, कहीं कहीं पे नहीं, क्यों? जी साहब ने जहाँ जहाँ बताया था वही वही पे पेंट कर रहे हैं हम। Thank you.
वो देखो अभी वहां से, वहां से तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या कर रहे हैं साहब? अभी अभी पेंट किया था, खराब हो जाएगा। कमाल है, पूरा घर छोड़ के खिड़कियों पे पेंट। सर यहाँ से पेंट उकड़ रहा था तो इसलिए पहले यही पेंट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हम ये मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। जी हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ सर। वो औरत पागल है, झूठ बोल रही है। झूठ और सच का तो पता चल ही जाएगा। ये पेंट उठा के फोरेंसिक लैब में भेज दो। सिमरन को देख के लगता है कि उसे वाकई कुछ दिमागी बीमारी है। हाँ, मगर सिमरन जो कह रही है और उसने जो कुछ भी देखा है उसमें कुछ तो सच होगा। तो सर ये अनीता और ललित ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और वो केदार, वो तो कहता है कि उस घर में कोई औरत है ही नहीं। और इन लोगों को कोई दिमागी बीमारी है नहीं, है ना? हाँ सर। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन झूठ बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। सर मुझे इस केदार के घर में गड़बड़ लगती है, वरना कोई अच्छे खासे घर को पेंट क्यों करेगा, वो भी खिड़की के पास से। बॉस, ये अभिजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है? मतलब? मतलब ये है कि गड़बड़ केदार के घर में ही है। केदार के घर में? कैसी गड़बड़? बॉस, केदार के घर में से हमें जो पेंट मिला है वो सिर्फ पेंट नहीं है, उसमें खून भी है। खून? हाँ, इंसान का खून। सर, माइक्रोस्कोप में देखकर यह पता चलता है कि इस पेंट में थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी खून के सेल्स मौजूद है। पेंट के अंदर खून कैसे हो सकता है सर? यार फेडी, कभी तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो यार। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुम ढूंढो कैसे हो सकता है। आपको मालूम है ना सर, मेरा दिमाग आप लोगों के जैसा नहीं है, अलग है। मालूम है ना? हाँ, थोड़ा बेटर है, ऊपर है, ऊपर। ए फेडी, अपने दिमाग को इतना ऊपर मत ले जाओ, हाथ से निकल कर हवा में खो जाएगा। एनीवे, ये देखो बॉस, केमिकल की वजह से खून और पेंट दोनों अलग अलग हो गए। ये देखो खून, मतलब सर खून के दाग को छुपाने के लिए ही उसके ऊपर रंग किया गया है सर। फिर तो उस घर में जरूर कुछ हुआ है। सर हो ना हो, वो लाश अभी भी उसी घर में है। केदार के घर चलते हैं। सर अगर यहाँ पे खून हुआ है तो दो बातें होगी, या तो यहाँ पे लाश मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे लाश है तो इस केस में फेड़ी का कोई काम नहीं है। लाश नहीं भी है तो भी क्या काम है इसका? हसो हसो, फ्रेडी किसी काम का नहीं है। फ्रेडिक्स, चलो काम पे लग जाओ। केदार ने फोन किया है तो उसने लाश को ऐसे खुलेआम तो नहीं छोड़ा होगा सर। भैया अगर उसने लाश को दीवार में भी गाड़ दिया हो, इस सारी दीवारें तोड़कर देखो, मगर लाश मिलनी ही चाहिए। सर, लाश अंदर भी नहीं है। देखा मैं भेज, लिमिनल टेस्ट करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि खून कहाँ कहाँ पे है। ठीक है।
देखो जरा हटाओ ये सब। माय गॉड, इतना सारा खून, इसका मतलब है लाश यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने रात के अंधेरे में लाश को कहीं बाहर छुपा दी। सर मगर लाश को बाहर ले जाते वक्त किसी ने तो देखा होगा, किसी को तो पता चला ही होगा। यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है लाश। जो टाइम दिया था उसी टाइम पर हम लोग पहुंच गए, चाहिए तो अपना टाइम मिला। बॉस सालूखे जब किसी को जबान दे देता है ना तो फिर वो पत्थर की लकीर होती है। अरे सर ये पत्थर की लकीर वकीर छोड़ो, आप ये बताओ इस लड़की की मौत हुई कैसे? तो अभिजीत लड़की, हाँ लड़की, इस लड़की की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से गला कटने की वजह से हुई। ये भी हमें मालूम है, आप कुछ और बताइए। और इसके चेहरे पर हाथों पर जो निशान है वो हाथापाई के, इसने मरने से पहले जरूर स्ट्रगल की। क्या हुआ हाँ? डॉक्टर तारिका क्या हुआ, आप ठीक तो है? मेरे लिए तो सब ठीक है अभिजीत, मगर इस केस के लिए नहीं। क्यों, क्या 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 हो गया केस में, क्या हो गया? ये बैग जिसमें लाश लाए थे इसमें से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है। आप तो एक्सपर्ट हो डॉक्टर तारिका। अरे सारे फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, एक भी निशान साफ नहीं है। लो भैया केस बंद। क्यों भैया केस क्यों बंद? अरे सर जब यही पता नहीं है कि लड़की कौन है, इसको किसने मारा है और क्यों मारा है तो फिर। एक मिनट फ्रेडी, एक और चीज ऐसी मिली है बॉस जो आप लोगों को खूनी तक जरूर पहुंचा देगी। वो क्या है सर? इसकी चमड़ी में हमें एक किस्म का आयुर्वेदिक तेल मिला है जो अधिकतर मसाज पार्लर में यूज होता है। मतलब ये औरत मसाज पार्लर गई थी मसाज करवाने? हाँ दया, इसने मसाज करवाया और बाद में किसी ने इसका खून कर दिया। मगर सर अभी तक तो तेल गायब हो जाना चाहिए था, शरीर तो तेल खींच लेता ना सर। बॉस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तेल किस किस्म का है, तो अगर तेल थोड़ा मोटा होगा ठीक होगा तो चमड़ी में थोड़ा देर से पहुंचेगा, और बॉस अगर तेल थिन हुआ थोड़ा पतला हुआ तो चमड़ी में जल्दी पहुंच जाएगा। आइए दिखाता हूं। देखो बस तेल तो है। और एक बात बॉस, ये तेल हर मसाज सेंटर पे नहीं मिलता है, बहुत कम लोग इस तेल को रखते हैं। एक्सलेंट, तब तो इस तेल को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। सारे मसाज पार्लर्स में जाकर पता करो और साथ साथ इस लड़की का फोटो भी दिखाओ। सिमरन की बात सच निकली सर, इस राहुल ने तो बहुत कोशिश की थी हमें धोखा देने की। राहुल को लगता है सिमरन बीमार है, मगर सिमरन उतनी बीमार नहीं है, और उसने खून होते हुए देखा है, मतलब खूनी को जरूर देखा होगा उसने। हमें इस खूनी को ढूंढना है। यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर राहुल जी, है सामान पैक हो गया, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सामने वाली बिल्डिंग में खून हो गया और आप लोग बाहर जा रहे हैं है? सिमरन कहाँ है जरा बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या हुआ भाई,
ऐसे मुंह लटका के खड़े हो? सर, सर मेरी पत्नी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? जी सर, सर उसकी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है? कब? जी, कल रात को। और कैसे? उसने कूदकर आत्महत्या कर ली सर। ये सब हुआ कैसे? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली सर। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है सर। जिसके लिए घर लिया था अब वही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक केस की पूरी छानबीन नहीं होती कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, समझे आप? लाश कहाँ है? सर वो मॉग रूम में। अच्छा ठीक है, वो जगह दिखाओ जहाँ से सिमरन ने कूद के आत्महत्या की है। यहाँ से सर। एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें सिमरन मैडम आत्महत्या कर सकती थी? क्या हुआ? चुप क्यों? बताओ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये दोनों समझ गए हैं, तुम जरा चुप रहो, समझे? बताओ। सर मैडम बीमार तो थी मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रात को जब मैं उन्हें दवाई देने गई तो वो ठीक थी और सुबह उनकी लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी मिली। कोई चीख वगैरह सुनी थी आप लोगों ने? जी नहीं सर। तुमने आखिरी बार कब देखा था मैडम को? सर कल रात में खाना देने गया था तब देखा था। मैडम कह रही थी कि ऊपर से बहुत चीखों की आवाज आ रही है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मैंने देखा सर लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। ऊपर से? कौन रहता है ऊपर? सर एक विधवा ही रहने, कल रात को, कनिका नाम है उसका। जरा बुलाओ उसे, शायद उसे कुछ पता। सर वो तो सुबह ही बाहर चली गई, उनका घर तो बंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फिर से अगर पूछताछ करने की जरूरत पड़े तो आपसे बात कर लेंगे। फ्रेडिक्स, लाश को मॉर्ग से अपने फॉरेंसिक लैब में। ओह सॉरी। देखिए आप लोग ये तेल इस्तेमाल करते हैं मसाज करने में? तो सारा पाला आई वांट टू बी क्लीन, सबका अपॉइंटमेंट लो तभी उनको एंटरटेन करना। एक्सक्यूज मी, यस अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। देन आई एम रियली सॉरी, माय स्पा इज टोटली फुल। आपको फोन करके आना चाहिए था ना। देखिए हमें कोई मसाज वगैरह नहीं करवाना है, हमें बस आपसे ये जाना था कि आपके यहाँ ऐसे वाले तेल इस्तेमाल होते हैं? हाँ, इन तेलों से मालिश की जाती है, इनफैक्ट हमारे स्पा में भी ये तेल यूज होते हैं। क्या ये अच्छे नहीं है? अब अच्छा बुरा तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना। बट सर आपका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट है? ये रहा, हम लोग CID से। सर CID वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये मसाज छोड़िए आप, ये फोटो देखिए, क्या ये औरत यहाँ पे मसाज कराने आई थी? ऐसी मसाज जो इन तेलों से की जाती है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मिनट रुकिए, मेरे पास उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस तेल से मसाज किए, मैं अभी लेके आती हूँ। सर वो उन लड़कियों में से ही होगी जिसकी हमें तलाश है। यस सर, करीब 5 लेडीज ने ये ट्रीटमेंट करवाया, ये देखिए। 5? ठीक है, दशा इनके नाम और एड्रेस नोट करो। हाँ सर। क्या सिमरन की मौत हो गई? डॉक्टर साहब मुझे भी 12 साल हो गए हैं आपके साथ काम करते करते। कितने? 12। मुझे बेवकूफ मत बनाइए।
फ्रेडी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। फ्रेडी, इस काम के लिए हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। तब आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तो कैसा सोचे? क्या हुआ सड़ंगे? ये फ्रेडी से इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं बॉस, मैंने फ्रेडी को सिर्फ इतना कहा कि सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है, इसका खून हुआ। क्या मतलब, सिमरन का भी खून हुआ? जी हाँ, सिमरन का भी खून हुआ। तो क्या सिमरन के घर वाले झूठ बोल रहे? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिमरन ने आत्महत्या नहीं की, इसके खून को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? बताता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इसके गले पर ये रस्सी के निशान। बॉस, जैसे ही इसने अपनी गर्दन बालकनी से बाहर निकाली, किसी ने बाहर से रस्सी का फंदा इसके गले में डाल दिया और इसके मरने तक लटकाए रखा। मगर सर, घर के अंदर भी तो रस्सी से गला घोटा जा सकता है, उसके बाद बालकनी के बाहर फेंक दिया। हाँ, घोटा तो जा सकता है विवेक, लेकिन इसका गला घर के बाहर से ही घोटा गया। कैसे, मैं बताता हूँ, आइए। देखो बॉस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पक्का हो गया है कि सिमरन की मौत रस्सी से गले की नसें दबने की वजह से हुई, और रस्सी का खिंचाव तिरछा था ऊपर की तरफ। अगर इस लड़की का गला कमरे में घोटा गया होता तो रस्सी का खिंचाव ऐसे होता सीधा, मगर इसके गले पे निशान इस तरीके से बने हुए, मतलब रस्सी का खिंचाव ऊपर की तरफ है ऐसे, और रस्सी इसके गले में फंस गई है। और ये तभी होता है जब किसी का गला इस तरीके से घोटा जाए ऊपर से। अभिजीत, किसी ने सिमरन के ऊपर वाले फ्लैट में से सर, ऐसी 5 औरतों के बारे में पता चला है सर, जिन्होंने उस तेल से मसाज करवाया था। 4 तो मिल गए सर, 1 लापता है, चित्राशी नाम है उसका। और सर, ये चित्राशी स्वीडन से आई थी और होटल स्टारलाइट में रुकी थी। देख, काम करो, इस होटल स्टारलाइट में जाके पूछताछ करो और हम कनिका से मिलते हैं। इस तरह से फांसी का फंदा लगा के उसने सिमरन को ऊपर खींचा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। सर, यहां से फांसी का फंदा लगा सकते हैं रस्सी लटका के। विवेक, रेडी? रेडी सर। सर, बाहर निकालो। सर, खींचिए। सर, अब तो पूरा यकीन हो गया है, ये काम कनिका ने किया है सर। मगर अभिजीत, कनिका ने सिमरन का खून किया है क्यों? और फिर दूसरी बात यह कि क्या कनिका में इतनी ताकत है कि वो अकेले सिमरन की लाश को ऊपर उठा? ये बात तो है सर, ये हो सकता है कि कनिका कोई क्रिमिनल हो सर, और ये काम करने के लिए उसने किसी की मदद ली हो सकता है। इस अनिता को ब्यूरो में लिया, उससे कनिका का स्केच बनवा। मुझे तो लगता है ये चित्राशी कुछ गड़बड़ थी, तभी तो उसने फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी इसी फ्लोर पे रहता है हमेशा? हाँ साहब। उसके कमरे में किसी को आते जाते देखा तुमने? नहीं साहब। ये चित्रा जी का बर्ताव कैसे था, मतलब बात करने में कैसी थी तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो ठीक ही बात करती थी, किंतु वो थोड़ी डरी डरी सी रहती थी और कमरे से बाहर भी कम ही निकलती थी। आइए सर, आइए। एक एक चीज को ध्यान से देखो। मुंबई की एक लॉ फर्म। लेकिन लॉ फर्म में इसका क्या काम? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको?
इस सवाल का जवाब तो ये मनीष कुमारी देगा। चलो उसी से पूछते हैं। आंखें ऐसी थी? हाँ, ऐसी थी कुछ कुछ, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, और गाल भी भरे हुए थे। अच्छा, उसके बाल कैसे थे? बाल काले और घने थे, बड़े बड़े से थे। अभिजीत, अब तो ये पूरा शक कनिका पे ही गहरा होते जा रहा है। सिमरन की मौत के बाद से कनिका घर से गायब है, मतलब साहब उसका हाथ है इस खून में सर। मगर से उसने सिमरन को मारा ही क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। इस सिमरन और चित्राशी, इन दोनों के मौत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या संबंध हो सकता है सर? फ्रेडरिक सिमरन ने खूनी को देख लिया होगा चित्राशी को मारते वक्त, और पकड़े जाने के डर से फिर इस खूनी ने सिमरन को मार दिया। ये लीजिए सर, सर स्केच रेडी। अच्छा, हमारे रिकॉर्ड से मैच करके देखो। यस सर। तो ये तो हमारे रिकॉर्ड्स में है, ये सुपारी किलर है और अभी तक 3 खून कर चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर, तो इसका मतलब है इन दोनों खून के पीछे कनिका के साथ कोई और भी है। मगर ये कोई और है कौन? है कौन ये? अभिजीत सर, पहले इस एडवोकेट से मिलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। प्लीज सिट डाउन। नहीं, हमें बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ पूछना है आपसे। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप किसी चित्राशी को जानते हैं? चित्राशी फ्रॉम स्वीडन। जी हाँ भाई, जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी। जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? खून हुआ है उसका। खून हुआ है? जी हाँ। ओह नो, मुझे पहले से मालूम था कि उसके जान को कुछ खतरा है। आपको मालूम था? कैसा खतरा था उसकी जान? सर, एक खून हुआ था और चित्राशी उस खून का एक गवाह थी। उस केस के पेपर्स लेके आई थी वो स्वीडन से मेरे पास। पेपर्स? मगर ऐसे कोई पेपर्स तो उसकी लाश के पास से मिले नहीं, और ना ही उसके होटल से जहाँ पे वो ठहरी थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, उस पेपर्स के जरिए तो हम असली खूनी का पता लगा सकते थे। असली खूनी? कौन है वो असली खूनी? चित्राशी मुझे मिल के बताने वाली थी। चित्राशी भी नहीं रही और पेपर्स भी नहीं, मेरा केस का क्या होगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम उस असली खूनी को भी ढूंढ निकालेंगे और आपके पेपर्स को भी। सिर्फ इतना बताइए, वो केस किसका था? वो तो ब्लैक स्टील कंपनी के ओनर का था। ब्लैक स्टील कंपनी? साहब, 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी आप लोग आधे घंटे और नहीं आते तो मैं चला गया होता। ध्यान से स्केच देखो, इस औरत का नाम कनिका है, हम लोग इस औरत को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगी? कनिका? हाँ, इसने खून किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके खून करती है, देखा इसे? कनिका? नहीं साहब, इसका नाम कनिका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम प्रीति, मैंने इसका नाम प्रीति सुना है। ये कहाँ मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, आजकल इसके पास पैसा बहुत आया हुआ है। पैसा आया हुआ है सर? खून करने के लिए पैसे मिले होंगे इसे? हो सकता है साहब। और हाँ, ये अपने बहन के नाम से एक फ्लैट खरीदने वाली है पवई में। पवई में? खबर पक्की है? क्या साहब, पूर्व खबर देगा तो पक्की होगी। चल ठीक है। जरूरत पड़ी तो फिर फोन करूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद। ठीक, इस पवई इलाके और उसके आसपास इलाके में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको जाके स्केच दिखाओ, और से कहो इस खुले की कोई भी औरत वहाँ फ्लैट खरीदने आती है तो हमें इन्फॉर्म कर दें। ठीक है? तुम यहाँ? CID वाले तुमसे मिले? CID वाले यहाँ पर
आपको उनसे क्या काम आ गया? एक खून हुआ है, उसकी तहकीकात करने के लिए आए। खून? किसका खून? चित्राशी का खून। चित्राशी? हाँ चित्राशी, जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी कोई जरूरी कागजात लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए। कैसे, किसने किया, कब हुआ? वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि किसने किया चित्राशी का खून और क्यों किया। मुझे मालूम था वो एक ना एक दिन जरूर ऐसा करेगा। कौन कौन ऐसा कर देगा? राहुल। राहुल कौन? ये सिमरन का हस्बैंड राहुल? हाँ राहुल, जिसके खिलाफ 3 साल पहले हमने एक केस दर्ज किया था। कैसा केस? उसने कंपनी के एमडी का खून किया था। जब वो केस चला तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो वो केस बंद हो गया, और उसी केस को हम फिर से खुलवाने वाले थे। राहुल के खिलाफ केस खुलवाने वाले थे? फिर तुम उस दिन राहुल के घर क्या करने गए थे? मैम हम लोग चाहते थे कि ये केस भर के भारी बंद हो जाए, उसी सिलसिले में हम उसके घर गए थे मिलने के लिए उससे। सर ये राहुल फंसने वाला था, जैसे उसे पता चला कि चित्राशी केस रीओपन कराने वाली है उसे फांसी लगेगी, उसने चित्राशी को मार दिया। और सर चित्राशी को मारते वक्त सिमरन ने उसे देखा और कनिका से कहकर उसने सिमरन को भी मरवा दिया। अदय, देख काम करो, तुम होटल स्टारलाइट में जाके फिर से इस चित्राशी के बारे में पूछताछ करो। वो जिस कमरे में ठहरी थी वो कमरा भी अच्छी तरह से चेक करो। देखो तुम्हें कोई पेपर्स मिलते हैं क्या? हाँ पेपर्स, वो राहुल के खिलाफ सबूत है, समझे? ओके। और अभिजीत हम राहुल के घर चलते हैं। सर मेरे चित्राक्षी का खून नहीं किया है सर। कोई ऐसे किसी का खून करने की नहीं सोचता है राहुल, कोई तो कारण होगा, कोई तो बड़ा कारण जिसकी वजह से तुमने चित्राक्षी का खून कर दिया। सर कोई कारण नहीं था सर, फिर मैं चित्राक्षी का खून क्यों करूंगा सर? मैंने चित्राक्षी का खून नहीं किया सर। नहीं नहीं राहुल, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मयंक और धीरज ने हमें सब बता दिया है। तुम ब्लैक स्टील कंपनी में काम करते थे जी? चित्राशी भी वहीं काम करती थी ना? हाँ। ब्लैक स्टील कंपनी के मालिक के खून करने का इल्जाम था तुम पर? सर वो खून का इल्जाम था लेकिन वो झूठ था सर। सर सर पैसे का घोटाला किया किसी और ने, एमडी को मारा किसी और ने, और बीच में मैं फंस गया हूँ सर। उस समय तो तुम बच गए राहुल, लेकिन इस बार बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा बचना, समझे? जैसे ही तुम्हें पता चला कि यह केस दोबारा खुलने वाला है और चित्राशी के पास सबूत है वो जो लेके आई है, तुमने चित्राशी को मार दिया। सोचा रहेगा ना बास न बजेगी बांसुरी। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसके पत्नी ने इसे खून करते हुए देख लिया है, चित्राशी का खून। तुमने अपने कंपनी के मालिक का खून कर दिया और फिर चित्राशी तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर आई तो उसको भी मार दिया, और फिर कनिका को सुपारी दी तुमने सिमरन का खून करने के लिए। सर मैं मेरा दिल चीर के आपको मेरा दिल तो नहीं दिखा सकता ना कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। सर मैंने उसका खून नहीं किया है सर, नहीं किया है। हाँ विवेक पता चल गया, वेरी गुड। तो मेरे को हम लोग अभी आते हैं। सर उस प्रॉपर्टी डीलर चंपक लाल का पता चल गया है जिससे कनिका फ्लैट खरीदने वाली थी, अभी मिलने वाली है उससे। एक्सीलेंट फ्रेडिक्स, उठाओ इसे। चंपक लाल, देखो किसी ने चित्राशी के सामान के साथ छेड़छाड़ की है, उसके बैग में से कीमती पेपर्स निकाल लिए गए हैं। सच सच बता दो कौन है वो, हाँ? वरना सबको भुगतना पड़ेगा, समझे? हम सच कह रहे हैं साहब, हमें नहीं मालूम। मैडम तो कमरे के अंदर भी बहुत कम ही आने देती थी, और हमको जो कुछ पूछना होता था हम बाहर के बाहर ही पूछ लेते थे साहब। तो फिर कहाँ गायब हो गए वो पेपर्स? तुम लोग तो कह रहे थे कि मैम से कोई मिलने नहीं आता था और ना ही वो कुछ सामान लेकर बाहर जाती थी, तो फिर? एक मिनट सर, वो जिस दिन होटल में आई थी वो उस दिन भी बाहर गई थी सर। अच्छा वो अपने साथ कुछ सामान वगैरह लेकर गई थी? सर मुझे पक्का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर वो होटल की कैब से बाहर गई थी। होटल की कैब से? जी। बुलाओ सर इस कैब के ड्राइवर को। सर आपको देख के कोई मायका लाल ये नहीं बता पाएगा कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हो।
एकदम स्टेट एजेंट लग रहे हो आप। हाँ सर, ये बात तो है, करना पड़ता है विवेक, करना पड़ता है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए बैरूपिया बनना पड़ता है। सर, प्रॉपर्टी डीलर चंपकलाल ने ये कहा था कि वो लड़की 11 बजे आने वाली है सर, और 11 तो बज गए। मिस्टर चंपकलाल? चंपक? हाँ चंपक, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम ही चंपकलाल हैं। और अगर हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं तो आप स्नेहा जी हैं? जी हाँ। आई आई आई। आपने जिस 4 BHK फ्लैट के बारे में मुझे बताया था, उसे मैं और मेरी बहन देखना चाहती हूँ। हाँ तो दिखा देंगे ना आपको, उसमें क्या है। सत्यानाश, क्या है हमारी तरफ एक कहावत है कि दरवाजे पे आई बारात तो दूल्हे को लगी, खैर जाने दीजिए, क्या है कि चाबी नहीं। तो आप एक काम करिए, आप अपनी बहन जी को तब तक बुला लीजिए, हम चाबी का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ तो इनको बुला लिया और चाबी नहीं भेजी आपने, हाँ तो भेजो ना। हेलो दी, हाँ मैं यहाँ चंपकलाल के साथ ही हूँ, वो कह रहे हैं चाबी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आप भी यहीं पर आ जाओ। और मुझे लगता है उसे जरूर पता होगा सर। आपने मुझे बुलाया सर? यही है वो। तुम? रास्ते कहाँ जनाब? इस कहानी का समापन तो करते जाओ। वो मिस्टर सोहन उर्फ केदार, ये कहानी क्या है जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए तो कितना देर कर रहे हैं, मंगा लेते हैं। अरे भेजो ना, 2 मिनट 2 मिनट करके 2 घंटे हो गए। स्नेहा, देखो वो भी आ गई है। अच्छा, अभी मिलने में टाइम लग रहा है, बैठो। हाँ तो बस भेज दो अब, हैं? अब नहीं फोन करूंगा, बस ये। और कितना टाइम लगेगा मिस्टर चंपकलाल? कनिका जी, तो कनिका जी ऐसा है कि टाइम तो खत्म हो गया है, अब जेल जाने की बात है। कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? CID, और हम लोग सिमरन के खून की सच्चाई जानना चाहते हैं। आखिर आप लोगों ने ढूंढी लिया मुझे। मैडम, आप जमीन के अंदर भी घुस के बैठ जाती ना तो भी CID वाले ढूंढ के निकालते आपको। अब जल्दी से बताओ, क्यों मारा सिमरन को? मुझे पैसे मिले थे इसके लिए, और कहा गया था कि ये खून आत्महत्या लगना चाहिए। किसने दिए थे पैसे? मैं उसे कभी मिली तो नहीं, उसने मुझे किराए पे घर दिलवाया था, राहुल नाम है उसका। राहुल? तुम्हारा मतलब सिमरन का हस्बैंड? जी हाँ। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों, मुझे भागे तू? बोल, क्यों मारा चित्राशी को? पैसों के लालच में। किसने दिए थे पैसे? मैं उसको नहीं जानता, पर उसने मुझे मैडम चित्राशी के साथ देखा था जब वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी। बैंक के लॉकर से एनवेलप? अब ये क्या चक्कर है? साहब, उस दिन वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी, उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक आदमी का फोन आया, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम चित्राशि मैम का किडनैप कर दो और उनको मार दो तो। और तुमने वैसे ही किया? हाँ मैम, अगले दिन वो जब मसाज करा के जा रही थी
उनके हाथ में वो एनवेलप भी था। तभी तभी मैंने उनका किडनैप किया। उस एनवेलप का क्या किया? वो तो मैंने पोस्ट कर दिया था। किस एड्रेस पे? वो जो उस एनवेलप पे पोस्टल एड्रेस था उसी पर। चलो हमें वो पोस्ट ऑफिस दिखाओ, चलो बाद में जेल में आराम करना। बट आजर, आजर मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में आता सर, पता चल गया सर असली खूनी कौन है। हाँ सर। सर आप, मैं तो डर गया था। डर तो हम भी गए थे, यहाँ आते आते। किस बात से सर? अब जो आदमी तीन तीन खून करके स्विमिंग पूल में मजे लूट रहा है वो हमारा भी खून कर सकता है, इसलिए डर रहे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझा नहीं, आ जा मैं समझाता हूँ। मैं सब समझता हूँ। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने नहीं किया? हाँ मैंने ही मारा था चित्राशी को, क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में। वो घोटाला जो मैंने कंपनी में किया था और उससे पैसे बनाए थे। वाह, उसके सबूत थे उसके पास। तो कंपनी में घोटाला किया तुमने और फंसा दिया राहुल को। वाह, कंपनी के मालिक को भी तुमने ही मारा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में, इसलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अगर ये सब तुमने किया तो फिर कनिका ने राहुल का नाम क्यों लिया? क्योंकि कनिका से मैंने राहुल बन के बात की थी। ये सब मैंने राहुल के आसपास इसलिए किया ताकि सारा शक राहुल पे जाए। तुम्हें क्या लगा तीन तीन खून करके तुम बच जाओगे? जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक।